एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। फ्लिप्स में खड़े रहते समय मैं ध्यान रखता था कि मुझसे कोई कैच न छूटे, क्योंकि इसकी कीमत मेरी टीम को पूरे मैच से चुकानी पड़ सकती थी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के सेवन की कीमत आपका जीवन हो सकता है। समझदार बने, तंबाकू से दूर रहे। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो, तब रनआउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है, तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रनआउट होने से बचें। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी था। इसके गले का कैंसर अब इसके दिमाग तक फैल चुका है। वो जहां भी जाते थे जीत के आते थे। तंबाकू सिर्फ पुरुषों की समस्या नहीं, रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। अक्षरों का शब्द नहीं, जिंदगी में खुश रहने के लिए प्यार के ये दो अक्षर साथ होने चाहिए। ये हैं दुल्हन के पिताजी और ये हैं दूल्हे के। जहां शादी के मंडप में इधर दूल्हा है, तो दूसरी तरफ दुल्हन 16 श्रृंगार किए हुए। मुझे ये शादी पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगी। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है?
क्या हुआ? सब खामोश क्यों हो गए? खामोश नहीं रहे तो और क्या करें? एक घंटे में शादी है और कहती है शादी पसंद नहीं। लड़के में कमी क्या है? फेरन लवली एड के मॉडल की तरह दिखता है। तेरे से पहले अगर मैं उसे देखती ना तो मैं ही शादी कर लेती। पता नहीं तुझे क्यों पसंद नहीं। अगर वो तुम्हें इतना पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मैं उससे ही शादी करूंगी जो मुझे चाहता है। क्यों, तू किसी से प्यार करती है क्या? पसंद नहीं तो शादी के लिए तैयार क्यों हुई? मुहूर्त के पहले ही मेरा राम बाबू आके मुझे लेके जाएगा। सुना आपने, दुल्हन के कॉन्फिडेंस से आपको लग रहा होगा कि दूल्हा कोई पहलवान या फिर हिम्मत वाला होगा, लेकिन हमारे राम बाबू तो ये पहले रिटॉक्स यूज कर रहा है, बहुत भगा रहा है यार। मर जाऊंगा, सिर फोड़ दूंगा तेरा। ये तो गन्ना ही खाने लगा। अरे छोड़ दे यार, बहुत भूखा है क्या? बच गया, नहीं तो हाथ भी खा जाता। नमस्ते बॉस। अच्छा हुआ बॉस ने बचा लिया। अच्छा लगा क्या? अभी तक देख ही रहे हो। कैसा लगा? मैं तो पागल हो गया। तो आ जाऊं ना? नहीं बाबा, यही ठीक हूँ। आ जाऊं ना? अरे बाप रे, अभी मेरी इज्जत लूट जाती। तू डाल डाल मैं पास पास। तू बैल है तो मैं सियार हूँ। बुस क्या कर रहा है? मिमिक्री कर रहा है क्या? तू मुंह से मिमिक्री करता है, मैं नाक से कर सकता हूँ। बाप रे, पूरा का पूरा जंगल यहाँ आ गया है क्या? ट्यून सुनकर बैंड हो गए हो तो लिरिक्स सुनकर फ्रेंड हो जाओगे क्या? मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। तू नागिन मैं सपेरा। हा, 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 खुश हो गए। सॉरी बेल जी, थोड़ा ज्यादा बोल गया। अगर मुझे आप परमिशन दे तो मैं बगल वाली गली से घास ले आऊं, आराम से साथ बैठ के खाएंगे। यूं गया और यूं आया। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, इनकी तो डर के मारे हालत खराब है और दुल्हन को लगता है कि वो आकर इन्हें भगा कर ले जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़े, ये जानने के लिए इस घर से शुरुआत करनी होगी। सुमो का समोसा। राम बाबू। हाँ, घर पे है, आइए ना। कैसा भी हो, राम बाबू मेरे घर आकर मेरी बेटी से शादी करेगा। आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ। और हमारा काम हो जाएगा। शादी होते ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो फिर आपकी मन्नत मत भूलिएगा, है ना? अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। अरे मेरा हैंड। नहीं लैंड। हाँ? शादी तय होते ही तुम दोनों के नाम आधा एकड़ जमीन लिख दूंगा। जाइए जाइए, आइए आइए। सर के लिए कॉफी। नमस्ते बाबू, थोड़ी देर हो गई। सबसे पहले तुम्हारे राम बाबू मेरी बेटी को देखे तो देखेंगे, पहले हाँ। हम लोगों को देखिए। चलिए चलिए, आइए आइए। आंटी के लिए बियर। बियर कैंसिल, जूस। बाबू मैं बियर पीती हूँ, चिल्ड। राम बाबू हैं क्या? सिक्स पैक सलमान के जैसा है, दबंग चश्मा। नमस्कार। नमस्ते बाबू। नमस्ते राम, नमस्ते राम बाबू। जो भी मुझसे बड़े हैं उनको मेरा नमस्कार, और जो मेरे हम उम्र हैं उनको मेरी छप्पी, और जो मुझसे छोटे हैं उनको पप्पी। सर बहुत सीधे आदमी लग रहे हैं। जो सीधे पैदा होते हैं वो सीधे चलते हैं। आड़ा तिरछा चलना जरूरी है? बोलिए, सबसे पहले मुझे किसके घर चलना है? ऐसे घेर कर मुझे कंफ्यूज मत कीजिए, कंफ्यूज होने से चक्कर आते हैं। पहले यहाँ कौन आया? मैं आया। बोलिए। मेरा नाम एसी है। 18 पर रहे तो घर ठंडा रहता है, लड़की 18 की हो जाए तो दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए आप एक बार मेरे घर आ जाइए, मेरी लड़की को देख लीजिए, अगर पसंद आ जाए तो। इनके गांव से पहले मेरा गांव है, इसलिए पहले मेरे गांव आकर आप हमारी लड़की को देख ले तो अच्छा है। तब तो पहले तुम्हें ही आना चाहिए था। क्या दीदी, इसका इतना डिमांड है? हाँ बहन, इसकी तो बहुत डिमांड है। अगर इसने किसी लड़की को देख कर पसंद कर लिया ना तो उस लड़की की शादी दूसरे लड़के से तुरंत हो जाती है। देख के तो मुझे अपने आप से ही जलन होने लगी है। देख लो कहीं डेट्स क्लैश ना हो जाए। राम बाबू कल पूर्णिमा है, अच्छा दिन है,
आप मेरे घर आए तो डेट देखो खाली है, बहुत टाइट है, तो फिर अगली पूर्णिमा को आ जाऊंगा। नहीं बाबू, जिस दिन आप आओगे वही दिन शुरू होगा। तो फिर पैसे देकर जाइए, आप सबका हाँ। डेट एडजस्ट हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, लेट मत करो, जल्दी करो। हाँ भाई, अच्छा कलेक्शन हुआ, तुम्हारा जैसा दोस्त हो तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। अरे अरे, तुम सब कैसी बातें कर रहे हो, तुम लोग इनका भरोसा कर रहे हो? अरे ये सब लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं। चुप रहो, ये बताओ तुम पूरा गांव घूमकर आ रहे हो ना, सब हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? राम बाबू गधा है, यही कह रहे हैं ना? गधा नहीं, निकम्मा कह रहे हैं। और तेरी आड़ में मैं पैसा कमा रही हूँ, ऐसा सारे लोगों का मानना है। अरे छोड़ो ना उनको, उनके बारे में क्या सोचना। अरे उन लोगों के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो देख ले। माँ बाप तो तेरे रहे नहीं, कम से कम मुझे तो फिक्र होगी ना। किसने कहा कि मेरे माँ बाप नहीं है? तुम कौन हो? दादी माँ यानी पिताजी और माँ, मेरे माँ बाप तुम ही हो। हाँ, मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ मत बना। सारी लड़कियों को देखकर मुझे पसंद है ऐसा कहता है ना तू? अब उनमें से तुझे कौन पसंद है? ये जिसे पसंद करता है उसे दूसरे शादी कर लेते हैं। बैंक में पैसे डालना।